अल्लाम एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज मैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जिसमें मैं अपना सारा प्रोसेस और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो भाई ये वीडियो जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है तो ये जो A to Z है ना ए टू जेड देखने आपने अच्छा तो अलहमदिल्ला आप लोगों की दुआओं की वजह से मुझे जो है ना अपना वीज़ा मिल गए तो बाई स्टार्ट करते ये मैं अपने प्रोसेस के बारे में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं जो है ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि एडमिशन जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाम मैंने अप्लाई किया था भाई वो तो मैंने और भी वीडियोस में शेयर किया अगर आपने वो नहीं देखे तो लाजमी देखे अच्छा इस तरह है कि जब आपको अनकंडीशनल या केस मिल जाते हैं भाई तो इसके बाद पे टेंशन आ जाती है आई एच एस और वीज़ा फी पे करने में तो मैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये रिकमेंड करूँगा कि आपने जो है ना पेमेंट यू के से करनी यू के से क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में करते हो तो बहुत ज़्यादा टैक्स डिडक्शन होती है और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक तो प्लस पॉइंट यही हो गई कि आपकी सेविंग हो जाएगी और पेमेंट भी जल्दी हो जाएगी मसला वगैरह भी नहीं आएगा दूसरी बात जब आ जाती है भाई वो आती है अपॉइंटमेंट की तो अपॉइमेंट बहुत सारे मैंने रिसर्च किए और मैंने देखा भी कि अपॉइंटमेंट जो है ना इस्लामाबाद के बहुत लेट मिल रहे और एक एक दो दो लाख पे जो है ना वो आपको मिल रही लोग देते हैं तो भाई देखिए खुद सर्च करें या अगर आप ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे लोकेशन चेक करें मीरपुर है इस्लामाबाद है कराची है तो जो भी अर्ली डेट आपको मिल रहा है फ्री वाला पॉइमेंट तो आप ले लें ट्रेवल भी कर लें थोड़ा इंजॉय भी कर लें आपका काम भी हो जाएगा तीसरी बात तीसरी बात ये भाई कि आपने जो है ना प्रायोरिटी में नहीं अप्लाई करना क्योंकि प्रयोरिटी है हम तीन चार दोस्त थे दो ने प्रटी पे अप्लाई किया मैंने उसको समझाया भी कि प्रायरिटी पे अप्लाई मत करें आप हमने स्टैंडर्ड पे किया जब मैंने स्टैंडर्ड पे किया तो भाई मैंने आठ तारीख को मेरा बायो था कराची में और वो भी अपॉइंटमेंट मैंने फ्री में लिया था तो तकरीबन मेरा एक्सपेंसेस वग़ैरह अगर मैं लगा लूँ तो थोड़ा इन्जॉयमेंट भी की हमने ट्रेवल भी की सब कुछ खर्चे में ला के पचास हज़ार हुआ मैंने स्टैंडर्ड में अप्लाई किया तो वही स्टैंडर्ड में यही सीन था कि तकरीबन तेरह दिन बाद बारह तेरह दिन बाद हमारा वीज़ा गया और जिन हजरात ने प्रायोरिटी बेस पे किया था कि सोच रहे थे कि हमारा वन वीक में जो है ना डिसीजन आ जाएगा तो एक तो उन लोगों को एन एस एफ ई मेल भी आना शुरू हुए गए एन एस एफ मतलब नॉन स्ट्रेट फारवर्ड जिसमें आपसे वो रिक्वाइड करती है कि कुछ डॉक्यूमेंट या इंटरव्यू तो एक दोस्त का तो इंटरव्यू भी हुआ उसका अभी तक डिसीजन नहीं आए भाई टाइम भी कम है तो ये चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी फर्स्ट तो यही है कि अपार्टमेंट जहाँ पे भी आपको मिल रही है ना आर्ली डेट की तो जाए ट्रेवल करें दूसरी बात ये है कि आपने पेमेंट यू कैसे करनी है। जो भी पेमेंट है अगर आपका इनिशियल है या आपने वीज़ा के लिए करना है या आई वगैरह के लिए और तीसरी बात ये कि अपॉइंटमेंट आपने पेड नहीं लेनी जाओ फ्री में वो पेमेंट वो ले लें आप और कर करते इंजॉय प्रायोरिटी में बिल्कुल नहीं करना क्योंकि प्रायोरिटी में आजकल जो है ना वो आपसे इंटरव्यू लेता है फिर तो इसके बाद आपसे भाई एडिशनल डॉक्यूमेंट उसके बाद आपको जलील कर देता है क्योंकि एक ना एक मसला दरमियान में आ जाता है तो यही चीज़ें और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना सवाल ज़ेन में ये आता है अगर हम कराची में करते तो आजकल कर तो कोरियर सर्विस अवेलेबल नहीं है भाई इस तरह है अगर आपने जिस दिन बायो वगैरह कर दी हाँ डॉक्यूमेंट भी आपने ख़ुद अपलोड करने स्कैन करनी ए फोर साइज में जाके बाज़ार से कर या मोबाइल फ़ोन भी आजकल हर किसी के पास अवेलेबल है वहाँ से स्कैन कर दे स्कोरिंग नेम कर दे जो भी नेम है वो पे अपलोड कर दे उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई वो भी आप देख सकते हैं फिर करियर की बात आ जाती है भाई इस तरह करना है कि एक अथॉरिटी लेटर होता है अगर किसी को वो नहीं मिल रहे तो मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा लिंक उसका तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अथॉरिटी लेटर में आपने साइन करना है फिर जो बंदा आपका पासपोर्ट कलेक्ट करेगा उसका डिटेल वगैरह जो स्लिप आपको देते हैं वो और वो करने उस बंदे को देने, जिस दिन आपको कलेक्शन की मेल आ जाएगी वी आर पी मेल के बाद वो बंदा जाएगा वहाँ पे आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर देगा आपको टी सी इस पर बेच देगा ज़्यादा से ज़्यादा कराची से अगर आप पिशावर इस्लाबाद तो छः सौ पाँच सौ में आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होगा और विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स जो है ना आपको मिल जाएगी क्योंकि लिपड कुरियर के ज़रिए मैंने किया था ये चीज़ तो ये कुछ गलतियाँ थी जो मैंने किए थे तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई कि भाई और जो आने वाले स्टूडेंट है उसको फ्यूचर में इन चीज़ों के बारे में मसला ना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें कि आपके एक क्लिक की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊंगा इस चैनल पे ना ख्याल रखें अल्लाह नाफेज़